Hello and welcome to my new video regarding the topic ABAX UP portal online registration and data upload for all students. जो उत्तर प्रदेश में किसी भी संस्थान में अध्ययनरत छात्र व छात्राएं हैं, यह फॉर्म सभी के लिए अनिवार्य है। इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी कोर्सेज के कॉलेज स्टूडेंट हैं, ये फॉर्म सभी के लिए है। सबसे पहले आप http://abacus.upsdc.government.in की वेबसाइट पे जाएं और कहीं भी मत देखिए, डायरेक्टली स्टूडेंट पे क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस खुल जाएगा। अब स्टूडेंट लॉगिन नहीं करनी है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और ध्यान रहे, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने से पहले पूरा क्लियर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालें। एक भी लेटर गलत ना हो, अन्यथा आपको बार बार दिस मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड शो करेगा। अब इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और प्रोसीड कर दें। फिर सेम प्रीफेस आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर की जो OTP है वो दोबारा डाल दें जो कि पहली बार आई थी, बिकॉज ड्यू टू टेक्निकल इशू अभी ईमेल आईडी पे OTP रिसीव नहीं हो रही है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का स्टेट नेम फिल करेंगे, फिर आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे एंड देन कॉलेज नेम, हाई स्कूल बोर्ड एंड रोल नंबर ऑफ हाई स्कूल, पासिंग ईयर ऑफ हाई स्कूल, योर नेम, फादर्स नेम। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, DOB फिल करें एंड देन पासवर्ड, जो कि ध्यान रहे कि 1 कैपिटल लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 नंबर ज़रूर रहे। इसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें। ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप डाल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यदि आप एक भी लेटर गलत करते हैं तो रीलॉगिन आप नहीं कर पाएंगे। और 4 बार लॉगिन ना करें, 4 बार के बाद आपका आईडी लॉक कर दिया जाएगा। और इसके बाद सबमिट कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा, उस पर क्लिक करें। ओके जहां पर लिखा है वहां पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ जाएगी। नाउ अब अगेन बैक कर लें और सेम वेबसाइट पर क्लिक करके स्टूडेंट पैनल पर जाएं। फिर स्टूडेंट लॉगिन में यूज़र टाइप, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लें। अब जब आप यहाँ पर वापस से स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है या एडेड कॉलेज है, ऑटोनॉमस कॉलेज है या स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस है। जो भी आपका कॉलेज होगा आप उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पर हरिश्चंद्र PG कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए एडेड कॉलेज ऑप्शन फिल किया जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस खुलकर आ जाएगा। ध्यान रहे कि जो आप पासवर्ड रख रहे हैं उसको बिल्कुल याद रखिए या कहीं पर लिख कर रखिए, अन्यथा यदि आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप स्वयं पासवर्ड को रीसेट या रीचेंज नहीं कर सकते हैं। और आगे जब आपको ये प्रीफेस खुलकर मिलेगा जहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल लिखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस सामने आएगा। स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई हैं वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन नंबर 1 को फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, अपना एकेडमिक इन्फो डालेंगे और कुछ अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप फिल करेंगे। सभी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ इन द वीडियो। ये रहा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट, इसमें आप चेक कर लीजिए कौन कौन से चीज़ हैं जो आपको फिल करने हैं। इसके बाद आता है एड्रेस का ऑप्शन। अब एड्रेस के ऑप्शन में आपको अपना परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डालनी है और इसको सबमिट करने के बाद एकेडमिक इन्फो में आप ये सभी चीज़ें फिल करेंगे। हाई स्कूल का है, इंटरमीडिएट, UG सेमेस्टर 1, UG सेमेस्टर 2, अकॉर्डिंग टू आप किस क्लास में हैं ग्रेजुएशन के, आप उसके अकॉर्डिंग अपना फिल करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर फिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। अगेन आप फिर से बैक कर लें और स्टूडेंट करंट प्रोफाइल पर जाएं, वहाँ पर भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिनको आपको फिल करना है, कुछ इस प्रकार से हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो जो ऑप्शन दिए हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है, फिल करना है। इसके बाद आपका एड्रेस और बैंक की इन्फॉर्मेशन, यदि आपको स्कॉलरशिप आप लेते हैं तो उसकी डिटेल्स डालेंगे।
अगेन आप कंप्लीट करने के बाद बैक आएंगे और प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल पे क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आ जाएगा, जिसमें आपको प्रेजेंट एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट को चूज़ करना है। और फाइनली आपका सारा चीज़ अगर हो चुका है, विदाउट एडिटिंग आपको सबमिट करना है, तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आपके साइड में दिखाएगा, वहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर दें। आपका डाटा अपलोड और फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन से बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।